subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any updates. नमस्ते दोस्तों, स्वीट्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वैनिला आइसक्रीम। एक बाउल व्हिपिंग क्रीम, आधा बाउल मलई, आधा बाउल कंडेंस मिल्क, एक टीस्पून वैनिला एसेंस, गार्निशिंग के लिए काजू बादाम। एक बाउल में हम मलई थी ली हुई हमने वो डालेंगे। उसके बाद व्हिपिंग क्रीम डालेंगे। एक टीस्पून वैनिला एसेंस डालेंगे। कंडेंस मिल्क डालेंगे। आप जितना मतलब मीठा चाहते हो तो थोड़ा इससे ज्यादा डाल सकते हो, इतना काफी होता है। और अब हम इसे विक्स कर लेंगे जब तक ये फ्लफी नहीं हो जाता है। अब हम फेंट लेते हैं इसको, बहुत क्रीमी बनाना है हमें, इसका झाग ऊपर तक आता है। और ये व्हिप क्रीम जो है इसकी रेसिपी मैं एक दिन बताऊंगी आपको, जो घर में ही बनता है। व्हिपिंग क्रीम मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है। देखिए हमें इतना प्लफी, अभी पहले इतना 1/4 ही था, अभी वो 3/4 के बराबर से बन चुका है। इतना हमें उसे व्हिप करना है। देखिए ऐसी उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। व्हिपिंग हो चुका है, अब हम इसे एयर टाइट कंटेनर में डालेंगे और फ्रीजर में इसको रख देंगे। कंटेनर भर चुका है, अब इस पर नीचे टैप कर इसको प्लेन कर लेंगे और इसके ऊपर काजू बादाम से गार्निशिंग कर लेंगे। इसके बाद इसको फ्रीजर में 6-7 घंटे के लिए छोड़ देंगे। छह घंटे हो चुके हैं, अब हम आइसक्रीम सर्व कर देंगे। आइसक्रीम अच्छी सॉफ्ट और मस्त बनी है, आप जरूर ट्राई कीजिए। इतनी सॉफ्ट आइसक्रीम व्हिपिंग क्रीम की वजह से बनती है। वो व्हिपिंग क्रीम कैसा बनता है मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगी। देखिए हमारी वेनिला आइसक्रीम तैयार हो चुकी है, आप जरूर ट्राई कीजिए। आपको मेरी डिश अच्छी लगी आप मेरे चैनल पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।